रोड स्थित बैंकट हॉल में भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 स्वामी कैलाश नंद महाराज ने कहा कि परशुराम ने मानवता की रक्षा के लिए कार्य किया। हमें भगवान परशुराम को नमन व अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर विनोद शर्मा, सुरेंद्र कपिल, आदित्य अंगिरस, रामेश्वर दत्त, डीडी शर्मा आदि मौजूद रहे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम का जो एक समन्वय संधि रहा, उन्होंने उन सभी राजाओं का दमन किया जो अहंकारी थे, जो धर्मावलंबी नहीं थे। आज सहारनपुर का यह पावन धरती प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी अत्यधिक शोभायमान हो रही है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में भगवान परशुराम के पदचिन्हों पर, भगवान परशुराम जी के कहे हुए वाक्यों पर यदि हम चलते हैं तो निसंदेह राष्ट्र का उत्थान होगा, संस्कृति का उत्थान होगा, परंपराओं का उत्थान होगा। आज ये भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह सब आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन का उद्देश्य मात्र इतना है कि अपने युवाओं में जागृति पैदा करना। और भगवान परशुराम विष्णु अवतार, विष्णु जी के छठे अवतार हैं और भगवान परशुराम हर किसी के इष्ट हैं। यहाँ कभी नहीं रुकता खबरों का सिलसिला, देखते रहिए सिटी वेब न्यूज़।